उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में मेगा कॉल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस मेगा कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य यूपी की जनता तक सरकार की योजनाओं और नीतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये मेगा सेंटर मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़ा होगा। आपको बता दें कि इस कॉल सेंटर के जरिए सरकार की योजनाओं के संबंध में सीधे लाभार्थियों को से बात की जा सकेगी और उनका अनुभव साझा किया जा सकेगा। इन अनुभवों और लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। सेंटर के जरिए शुरुआती चरण में 13 विभागों की 20 योजनाओं के बारे में संबंधित लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। दिल्ली वालों की आज से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दक्षिण एमसीडी के बाद आज से उत्तरी और पूर्वी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एमसीडी के स्वास्थ्य कर्मी भी आज से काम का बहिष्कार करेंगे। वहीं चिकनगुनिया और डेंगू के बढ़ते प्रकोप से दिल्ली की जनता सहमी हुई है, जिसे देखते हुए अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर डेंगू और चिकनगुनिया पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पहले केजरीवाल सरकार को अदालत में जवाब देने के लिए बुलाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार काम नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार मामले को बढ़ाएगी। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने डेंगू से एक छात्र की मौत के मामले में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही वीसी जमीरुद्दीन शाह ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया है। दरअसल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्र साबिर हुसैन की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। साबिर को शनिवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। साबिर के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसके बाद वीसी ने ये कार्रवाई की। डेंगू से पीड़ित एएमयू के 12 छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एसपी नेता अशोक प्रधान समेत 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि 11 महीने तक अशोक प्रधान ने उसके साथ रेप किया। दिल्ली पुलिस ने नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस को एफआईआर की कॉपी भेजी है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी जान लेने की भी कोशिश की। वहीं शिकायतकर्ता महिला ने एसपी नेता अशोक प्रधान पर सियासी रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अशोक 4 बार से बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं। मेरी एक नपुंसक से शादी कराई गई, अशोक प्रधान ने कराई। वो पंकज कुमार जिंदल का दोस्त है। पंकज कुमार जिंदल, अशोक प्रधान और प्रताप मेहता, इन तीनों ने मिलकर 11 महीने तक मेरा बलात्कार किया। मेरे पति के सामने 11 महीनों तक मेरी सास सविता जिंदल और अंशिका जिंदल ने मेरे को दिन रात कुत्ता बिल्ली की तरह काम कराया और टॉर्चर किया, मारा पीटा, सब कुछ किया जो एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि शादी में मेरे जितने भी गहने, जेवर, पैसे, गाड़ी जो भी आया था उन्होंने सब छीन लिया। मेरे कपड़े तक उन लोगों के पास है। आज मेरी सास ससुर उस गाड़ी में घूम रहे थे, मेरे फादर ने मुझे दी थी और मुझे धक्के मार के 11 महीने बाद घर से बाहर निकाल दिया लोगों ने। ये समझ लो बस आप कि जो एक लड़की के साथ नहीं होना चाहिए ना, वो सब किया उस आदमी ने मेरे साथ। मेरे माँ बाप को गालियाँ दी, धमकियाँ दी कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बोली, कुछ भी करी तो मेरे फादर मेरे भाई को उठवा लेगा और लाश मिलेगी भी नहीं। तो उसने मुझे भी बोला कि अगर तूने ये बात किसी से भी बोली तो तुझे कटवा के फिकवा दूंगा मैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस चल रही है। दोनों उम्मीदवारों ने अमेरिकी जनता के सामने अपने अपने प्लान रखे। हिलेरी क्लिंटन ने अमीरों से ज्यादा टैक्स लगाने की वकालत की और छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने सस्ती पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। हिलेरी ने बहस के दौरान रिन्यूड एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स घटाने से आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. That means we need new jobs, good jobs, with rising incomes. I want us to invest in you. I want us to invest in your future. That means jobs in infrastructure, in advanced manufacturing, in innovation and technology, clean renewable energy, and small business, because most of the new jobs will come from small business.
We also have to make the economy fairer. That starts with raising the national minimum wage and also guarantee, finally, equal pay for women's work. वहीं बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के लिए ज्यादा नौकरी मुहैया कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि यूएस से बाहर जाने वाली नौकरियों पर रोक लगाएंगे. साथ ही ट्रंप ने टैक्स 35% से घटाकर 15% करने पर जोर दिया. बहस के दौरान ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा कि चीन यूएस को पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि कारोबार का विस्तार करने वाली कंपनियों की मदद की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस मेक्सिको के टैक्स समझौते में बदलाव की जरूरत है. The United States, and with it, firing all of their people. All you have to do is take a look at Carrier Air Condition in Indianapolis. They left, fired 1,400 people. They're going to Mexico. So many, hundreds and hundreds of companies are doing this. We cannot let it happen. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously. From 35% to 15% for companies, small and big businesses. That's going to be a job creator like we haven't seen since Ronald Reagan. It's going to be a beautiful thing to watch. Companies will come, they will build, they will expand, new companies will start, and I look very, very much forward to doing it. We have to renegotiate our trade deals, and we have to stop these countries from stealing our companies and our jobs. पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है. इसी जवाब का पाकिस्तान को इंतजार भी था. पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. बिना पाकिस्तान का नाम लिए सुषमा ने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है. दुनिया को ये देखना होगा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन हैं, कौन इन्हें हथियार देते हैं. सुषमा ने यूएन में सबसे सामने दो टूक कहा कि यदि कोई देश आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे पूरी दुनिया को अलग थलग करना चाहिए. पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से लगाए गए आरोपों का सुषमा स्वराज ने गिन गिन कर जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो आतंकवाद उगाते हैं, बोते हैं और आतंकवाद ही बेचते हैं. आतंकियों को पालना कुछ देशों का शौक है. ऐसे देशों की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. इतना ही नहीं, कश्मीर का राग अलापने वाले शरीफ को सुषमा स्वराज ने एक बार फिर याद दिलाया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा. कश्मीर पर बयानबाजी से पाकिस्तान के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे. सुषमा ने कहा कि भारत ने पहल करते हुए दोस्ती के आधार पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की. पीएम मोदी से लाहौर भी गए. हमने कभी ईद की मुबारकबाद दी, कभी तबीयत पूछी, लेकिन दोस्ती की बदले में उरी हमले, पठानकोट के हमले, पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली हमारे पास जिंदा सबूत है. शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद. आतंकवादियों को पालना उस देशों का शौक बन गया है. ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे करते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती. इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ ये देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं. ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण की पीएम मोदी ने भी तारीफ की. पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज को बधाई दी. पीएम मोदी ने लिखा कि विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पुख्ता और असरदार भाषण दिया है और अपनी बात मजबूती के साथ रखी है. पीएम मोदी ने जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण की तारीफ की, वहीं विपक्ष ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा है कि भाषण से कुछ नहीं होता, सरकार अपनी नीतियां बताए. वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाक दिन में सपने देखना बंद करे और अपने हिस्से में मानवाधिकार उल्लंघन पर ध्यान दें.
वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने यूएन में दिए सुषमा स्वराज के भाषण की जमकर तारीफ की। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की संभावित कार्रवाई से डरकर इन दिनों पीओके में आतंकी कैंपों में हलचल बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके में संचालित कई आतंकी कैंपों को उनकी मौजूदा जगहों से शिफ्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की संभावित कार्रवाई से डरकर करीब 16 से 17 कैंपों की जगह बदल दी गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कुछ आतंकी कैंपों को पाकिस्तान की सेना के कैंप में शिफ्ट किया गया है, जबकि कुछ आतंकी कैंपों को पीओके के सिविलियन एरिया के नजदीक शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। जिंदा पकड़े गए आतंकी अब्दुल कयूम से पूछताछ में भारत को पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली बाग, मनशेरा इलाके में कुल 45 आतंकी कैंपों की लोकेशन मिली थी। सूत्रों के मुताबिक भारत फिलहाल सिंधु जल समझौता तोड़ने के पक्ष में नहीं है। सिंधु जल समझौते पर कल समीक्षा बैठक हुई और जिसमें ये बात सामने आई कि पीएम मोदी की अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक में सिंधु जल समझौते के फायदे और नुकसान पर भी चर्चा हुई। समझौते में भारत को ज्यादा पानी दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए भारत पानी छोड़ देता था, अब भारत अपने हक का पानी पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ेगा। सिंधु समझौते पर पीएम विदेश, रक्षा और जल से जुड़े विशेषज्ञों से भी राय लेंगे। जल संसाधन सचिव शशि शेखर और विदेश सचिव एस जयशंकर ने मीटिंग बुलाई है। उधर उरी हमले को लेकर कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अब पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने का साथ साथ इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने की भी मांग की है। कांग्रेस ने राजनयिक शरण मांग रहे बलूच नेता बरहम दागबुख्ती के आवेदन पर भी केंद्र सरकार से तत्काल फैसला करने को कहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अब तक केवल जुमलों से ही जवाब दिया गया, सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। मसूद अजहर ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर भारत को धमकी दी है। ऑडियो क्लिप के जरिए मसूद अजहर ने कहा है कि भारत को बहादुरी सिर्फ फिल्मों में दिखाता है। दरअसल भारत ने उरी आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद के हाथ होने की बात कही थी, जिसके बाद आतंक का आका ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें मुशर्रफ ने अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हामिद मीर ने इस ट्वीट के साथ लिखा है, पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान, ध्यान दीजिए, मुझे लगता है मुशर्रफ का पीठ दर्द अब ठीक हो चुका है। आप दावा करते हैं कि वो कुछ दिनों में लौट आएंगे, वैसे वो इन दिनों हैं कहाँ? दरअसल इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 2007 में लाल मस्जिद के नायब इनाम अब्दुल रशीद गाजी की हत्या के संबंध में कल पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी कर दिया था। अदालत ने जनरल मुशर्रफ को निजी मुचलके की 2 लाख रुपए की राशि के साथ उन्हें 2013 में अपनी जमानत का समय दिया था जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद से ही मुशर्रफ को लेकर कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो कुछ दिनों से के बाद लौट आएंगे। झारखंड के खूंटी में एक बार फिर नक्सलियों की दरिंदगी सामने आई है। अड़की थाना क्षेत्र में रायतोंगड़ांग में नक्सलियों के खिलाफ हो रही शांति सभा में नक्सलियों ने धुआंधार फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन PLFY ने घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी में 6 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत की खबर है। वहीं देर रात 3 ग्रामीणों को सदर अस्पताल खूंटी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में उन्हें रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने छोटे बच्चों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आयोग की जांच में पता चला है कि बैतूल और होशंगाबाद जिले में बच्चों को कद नाटा होता जा रहा है। यही नहीं, बच्चों के औसतन वजन में भी कमी आ रही है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा ने खुलासा किया है। डॉक्टर वर्मा के मुताबिक दोनों जिलों में बच्चों के
ओवरऑल अंतर आता जा रहा है और बच्चों की उम्र में उम्र के अनुसार हाइट और वजन भी कम होता जा रहा है, जिसे देखते हुए जिले में आयोग मेडिकल सर्वे शुरू किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि होशंगाबाद और बैतूल में बच्चों के जिंक की कमी पाई गई है, जिसके बाद बच्चों का कद कम होता जा रहा है। बच्चों की आयु के अनुपात में उनका कद और वजन नहीं बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में दूध डेयरी इलाके में लापता हुए 7 नाबालिग बच्चे 6 दिनों के बाद वापस घर लौट आए हैं। हरदा पुलिस ने बेंगलुरु से रेस्क्यू कर बच्चों को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। ये बच्चे 6 दिनों बाद जब ट्रेन से अपने घर वापस लौटे तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों को देखकर सबकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। गौरतलब है कि शहर की दूध डेयरी इलाके से 7 बच्चों के अपहरण के बाद से ही पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। अनहोनी का डर से बच्चों के घरों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सोमवार की रात लगभग 11 बजे हरदा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही अगवा बच्चों के माता पिताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। दूध डेयरी इलाके से कमल, जय, सुनील, राजेश, मोहित और पवन नाम के बच्चे 21 सितंबर से लापता थे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक शिक्षक की करतूत से पूरा शिक्षक समुदाय शर्मसार हो गया है। यहां इन दिनों सोशल मीडिया पर मंडिया 2 में पाली मिडिल स्कूल के प्रभारी पुरुषोत्तम पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो शराब के नशे में चूर होकर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नशेड़ी टीचर सड़क पर लेटा हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसने जमकर उत्पात मचाया, गाली गलौज की। नशे में होशो हवास खो चुका ये शिक्षक हर राहगीर को गाली दे रहा था। ऐसे में लोगों ने मजबूरन पुलिस को इत्तला दी। शराब के नशे में आरोपी टीचर ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी की। बाद में इस नशेड़ी टीचर को थाने ले जाया गया, जहां मामूली औपचारिकताओं के बाद नशे में धुत टीचर पुरुषोत्तम पटेल को छोड़ दिया गया। यूपी और बिहार के 42 लोग साउथ अफ्रीका के कांगो में बंधक बना लिए गए हैं। ये लोग जिस कंपनी के लिए वहां काम करते हैं उसने उन्हें बंधक बना लिया है। 8 महीने से सैलरी नहीं दी। कांगो में फंसे इन लोगों ने घर वालों को वीडियो भेजकर अपनी तकलीफ बयां की। विदेश में फंसे इन 42 लोगों में से 12 गोरखपुर के चोरी चोरा के रहने वाले हैं। इनके परिजनों के मुताबिक कांगो में उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है और एक टाइम ही खाना मिलता है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से बात की है। केंद्र सरकार ने जल्द ही मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा के कालाहांडी से मानवता को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। गांव के लोगों से मदद नहीं मिलने पर 3 बेटियों और एक छोटी बहन ने महिला की अर्थी को कंधा देने पर मजबूर हो गई। इतना ही नहीं, गरीबी से मजबूर बेटियां मां की चिता के लिए लकड़ी का भी इंतजाम नहीं कर पाई। मदद की सारी उम्मीदें खत्म होने पर मजबूर बेटियों ने घर की लकड़ी तोड़कर ही लाश को जलाने का इंतजाम किया। एमपी में भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान को जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि नजूल की अवैध जमीन पर निर्माण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मकान के निर्माण के दौरान कई बार नोटिस जारी किया गया था। यूनिटेक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में यूनिटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर डायमंड एक्सपर्ट ने दर्ज कराई है। कंपनी ने 2006 में ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। विजय माल्या का गोवा का किंगफिशर विला उन लोगों के लिए खुल गया है जो इसे खरीदना चाहते हैं। विला की नीलामी करने वाली एसबीआई ट्रस्टी कैंप्स ने 2 दिनों के लिए बोली लगाने वालों के निरीक्षण के लिए इसे खोला है। विला के लिए अंदर रखी संपत्तियों की भी लिस्ट तैयार की गई है। 23 सितंबर को सिंगापुर चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 फोन में आग लगने के मामले में दोबारा जांच होगी। इस मुद्दे पर सैमसंग के अधिकारियों ने डीजीसीए के अधिकारियों से मुलाकात की और गैलेक्सी नोट 2 मामले में की जांच के लिए समय मांगा।
हीरो मोटोक्रॉप ने अपनी प्रीमियम सेगमेंट अचीवर 150 बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। ड्रम ब्रेक्स के साथ अचीवर 150 की कीमत 61,800 रुपए है, जबकि डिस्क ब्रेक के साथ बाइक की कीमत 62,800 रुपए है। रिलायंस जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में झगड़े के बीच कॉल ड्रॉप की बाढ़ आ गई है। ट्राई कॉल ड्रॉप की बढ़ती शिकायतों पर अब कंपनियों को नोटिस भेजेगा। ट्राइज के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा है कि कंपनियों के डेटा की समीक्षा की जाएगी। देश की बड़ी कैब एग्रीगेटर ओला के साथ अब 3 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ओला की शेयरिंग सर्विस से सफर करना होगा। कंपनी ने आज से देश के 3 और शहरों चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद में भी ओला की शेयरिंग सर्विस शुरू कर दी है। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक के 7 दिनों के अंदर टैक्स अथॉरिटी ने 3 ड्राफ्ट रूल तैयार किए हैं। हालांकि इन ड्राफ्ट रूल का रिव्यू करने के लिए जीएसटी काउंसिल को इस पर फैसला लेना होगा। जीएसटी के तहत 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।